आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। कई बार जवाब दिया है कि कोई ठग और कोई आतंकवादी स्कूल नहीं बनवाता है, इस तरह की चीजें थोड़ी करता कोई ठग। देखिए, उसने कोई स्कूल नहीं बनवाया। आप मुझे बताइए, आप सारे मीडिया के साथी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, और भी जो लोग हैं, और छोटे ठग से भी पूछना चाहता हूँ, उसकी पूरी टीम से भी पूछना चाहता हूँ कि कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज बनवाए। और इसको कहने से पहले, इसको बताने से पहले, छोटा ठग अपने जो 70 वादे दिल्ली की जनता से किए थे, एक बार जरूर उस पर निगाह डाल ले और एक एक करके बताए उसने कौन सा वादा पूरा किया। एक बात, दूसरी बात, मैंने कहा था, फिर आपको बता रहा हूं, केजरीवाल का एक वीडियो है जिसमें कह रहा है केजरीवाल कि जो हमने स्कूलों की हालत सुधारी है, उस वजह से 4 लाख बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ते थे, वो बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आ गए हैं अपना नाम कटा के। तो मुझे ये बताइए कि जो 4 लाख बच्चे आए हैं, 4 लाख बहुत बड़ी संख्या है, वो 4 लाख बच्चे जो आए हैं, तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, वो तो बढ़ी नहीं। दूसरा, कितने 20,000 क्लासरूम आपके पास कहां से है रिकॉर्ड कि 20,000 क्लासरूम बढ़ाए हैं? 20,000 क्लासरूम में तो मैं कहता हूं हजारों स्कूल बन जाएंगे। एक स्कूल में अगर 20 भी हो गए तो 1,000 स्कूल तो होगा ना, हो गए सीधे किसी से। ये स्थिति, इसी से आप लगा सकते हैं कि झूठ बोला। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 4 लाख बच्चे आए हैं तो 50 स्कूलों को अन्य उन स्कूलों में मर्ज क्यों किया जा रहा, मतलब 50 स्कूलों को खत्म क्यों किया जा रहा है? इसी से आपको पता लग जाएगी कि वो केजरीवाल वाकई में कितना बड़ा महाठग है। छोटा ठग कहना भी मैं समझता हूं बेकार ही है उसके लिए। ये चीजों को समझने की जरूरत है, इसलिए हम लोगों को बता रहे हैं कि जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो आपको धोखा दिया जा रहा है, उस धोखे में आप न आए। शुरुआती समय में अरविंद केजरीवाल ने भी इसी इसका इसका मैं भी एक जवाब देना चाहूंगा। एक सवाल, देखिए, ठगों की ठगी करने का तरीका क्या होता है? स्कूल कॉलेज बहुत सारे ठगों ने बनाए, जो ये पोंजी स्कीम्स करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, फाइनेंशियल क्राइम्स करने वाले, वो अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह की नाटक करते हैं, अच्छे कार्य करने की, सोशल वर्क करने का नाटक करते हैं, सारे ठग करते हैं। और इस ठग ने तो जो पैसे चुराए उसको तो अपने परिवार वालों के और अपने मित्रों के पास भेज दिए, ये तो सरकारी पैसा है ना। इस ठग ने अपनी जेब से कौन से पैसे खर्च किए, ये सवाल का जवाब इससे पूछा जाए। क्या इसने अपने जेब से, अपने पिताजी की जेब से या अपने माताजी की प्रॉपर्टी में से कोई पैसा खर्च करके एक स्कूल बनाया है या एक क्लासरूम बनाया है, या इस जनता और खासतौर पर SC सब प्लान का पैसा चुराया है, जो 50,000 करोड़ से ज्यादा उसमें से बनवाया है, ये सवाल का जवाब है। इससे अब पूछिए इस ठग से कि तूने अपने पास से कैसे, कौन से, अपने पिताजी के पास से, माताजी के पैसे से, या अपनी तनख्वाह से, जो IRS में थे तुम, या जो IRS में रहते हुए रिश्वत ली थी, उस पैसे से कौन सा स्कूल बनवाया, ये। सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे वोट की बात की, चुनाव की बात की, MCD का चुनाव आ रहा है और एक सर्वे आया है आज ABP न्यूज, उसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी 40%, BJP जो है 42% वोट शेयर, और पहले नंबर पे BJP, दूसरे पे आम आदमी पार्टी। आप कहाँ आंक रहे हैं, कौन चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो जो सर्वे आते हैं, आपको मालूम है सारे के सारे सर्वे प्रायोजित है, और किसके द्वारा कराए जा रहे हैं, और कौन है जिसके माध्यम से ये सर्वे कराए जा रहे हैं? ABP न्यूज किसका चैनल है, आपको सबको मालूम है, किसी को छुपा तो है नहीं है। और भी जो चैनल आते हैं, वो जो सर्वे दिखाते हैं, वो उन्हीं के प्रायोजित है, ताकि एक माहौल बनाया जाए, यार यही तो जीत रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का जो वोट करने का जो ट्रेंड होता है, वो तो अरे यार, जो जीत रहा है उसी को दे दो, काय को अपनी वोट खराब कर, ये लोगों का है। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप व्यक्ति को समझिए, व्यक्ति के साथ में जो टीम है उनको देखिए, जो पार्टी है उसको देखिए, व्यक्ति की योग्यता देखिए, ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई ये जीत रहा है। ये माहौल तो प्रचार के माध्यम से बनाया जा रहा है, और प्रचार के माध्यम में ये दोनों ठग और इनकी पार्टियां नंबर वन है, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है। ठीक भी आ जाए तो आपको देखेंगे कि केजरीवाल पूरी दिल्ली को जो है होर्डिंगों से पाट देता, आता नहीं होता। हर 15 दिन में 10 दिन में आप देखिए केजरीवाल का एक नया होर्डिंग आपको पूरी दिल्ली में दिखाई देगा, ठीक इसी तरह से। और सीखा कहां से है, वहीं से सीखा है, बड़े ठग से, क्योंकि बड़े ठग का जो है 4 करोड़ रुपया हर दिन का, प्रतिदिन की बात बता रहा हूं, सिर्फ उसके विज्ञापन में खर्च होता है। किसका पैसा, इनके बाप का पैसा जिसे खर्च कर रहे हैं, ये सारा का सारा देश की जनता का
आप सबका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसे ये लोग खर्च करते हैं। और वैसे भी ऑफिशियली जो प्रचार का, जो दिल्ली सरकार का ही बजट है, 550 करोड़ रुपए सालाना का है। कहां से आता है ये पैसा? इस पैसे में कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? तो ये जो सारी चीजें हैं केवल प्रचार है। मैं समझता हूं हम लोग निश्चित रूप से अगर इनकी तरह प्रचार की बात की जाए, हम वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, पर हम अपनी मेहनत से रात दिन अपना काम करके लोगों के साथ रह के गली मोहल्लों में जाके हर जगह जाके हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई वाकई में आपको किसको वोट देनी चाहिए, किस तरह से वोट देनी चाहिए, ताकि आपके हकों का रक्षा की जा सके। ये हमारा काम। मैं भी सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूंगा। देखिए 42 बड़ा होता है या 40? 42 बड़ा होता है ना, तो बड़े ठग के 42, छोटे ठग के 40। इसीलिए तो आज नामकरण हुआ है। और भानु जी ने भी मुझे याद दिलाया कि ये ठगाले यहाँ पे से नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है, बड़े का और छोटे का दोनों का। तो ये जो ये सर्वे हुआ है, ये भी एक ठगों की स्कीम है। हम जनता से, दिल्ली की जनता से ये आह्वान करते हैं कि अपना कैंडिडेट ढूंढो, ये ठगों की पार्टियों में मत जाओ, अपना कैंडिडेट ढूंढो। किसी बड़ी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, ये लोकल चुनाव है। अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतो, किसी छोटी पार्टी का कैंडिडेट ढूंढो जो आपके कब्जे में रहे, आपके काबू में रहे, आपके साथ न्याय करे, कम से कम इस चुनाव में। तो ऐसा आदमी ढूंढो जो आपका अपना आदमी हो, किसी द्वारा, किसी पार्टी द्वारा आपके ऊपर थोपा ना गया हो। अपने कैंडिडेट्स खुद चुनिए, आपने वोट देनी है, और कॉरपोरेशन में तो कम से कम अपने लोग जिता के भेजिए, ताकि एक नई प्रथा शुरू हो और उससे पूरे देश का समाधान होगा। इसलिए हम गुजारिश ये करते हैं कि हर एक चुनाव में, इस MCD के चुनाव में अपना कैंडिडेट चुने, इंडिपेंडेंट लड़वाएं उसे या किसी छोटी पार्टी से लड़वाएं, और इन बड़ी पार्टियों का पूरी तरीके से बहिष्कार। कितना मुश्किल होगा इस बार आप लोगों को इलेक्शन में, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर पे आए थे तो उन्होंने भी अपने आप को एक आम जन कहा था, और आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, तो कितना मुश्किल होने वाला है आप लोग? हम लोग ठग हैं क्या? हम लोगों ने कुर्बानियां दी। अरविंद केजरीवाल ने कौन सी कुर्बानी दी थी? उसकी पहले की शक्ल और बाद की शक्ल देखिए, और हमारे लोगों की पहले चमकदार चेहरे देखिए, और अब जब हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे चेहरे देखिए। इसी बात से पता लग जाता है अरविंद केजरीवाल ने और ये बड़े ठग की पार्टी ने हम लोगों को जान से मरवाने की कोशिश की, हम लोगों के ऊपर रेडें करवाई। और अरविंद केजरीवाल की जो ये ठग पार्टी है, उसने दिल्ली दंगों में, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, जब जो सरकारी वकील हैं वो बड़े ठग की पार्टी वाले रखने के लिए हामी अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने हाईकोर्ट में भरी, जब हम मना कर रहे थे, हम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो सरकारी वकील होते हैं वो जो सरकारी वकील जिस अदालत के हैं वही रहने चाहिए, दिल्ली पुलिस को इस बात का मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने प्राइवेट वकील लें और उनको सरकारी वकील बनाएं। तो इसी अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने इस बात के लिए हाँ की थी। तो दोनों ठग मिले हुए हैं, हम लोगों की कुर्बानियाँ हैं। इन लोगों की शक्लें देखिए आप, ये हजारों लाखों करोड़ रुपए दोनों चुरा चुके हैं देश के, इनकी शक्लें देखिए और हमारी शक्लें देखिए, हम लोगों की पहले की शक्लें देखिए और बाद की शक्लें देखिए, हम लोगों की जो 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 हमारी जो एकदम चकाचौंध शक्लें थी वो अब मुरझा रही हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी चेहरे जो हैं चकाचौंध हो रहे हैं, क्योंकि ये हराम का पैसा खा रहे हैं। WS कोटे का सर जो 10% छोड़ने को रखता है सर, उसके बारे में आज ही सर कोर्ट का फैसला आया सर, इस बारे में आप बताइए। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मोदी जी ने कहा था कि हमने हिंदुओं को आरक्षण दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी जी की इस बात पे मोहर लगा दी है, और ये डेफिनेशन हिंदू कौन है हमारे देश में वो क्लियर कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को सिर्फ EWS कोटा मिल सकता है, और इन्हीं के लिए मोदी जी कह रहे थे कि हमने हिंदुओं के लिए कोटा या रिजर्वेशन की है। तो अब ये साफ हो गया है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग के अलावा जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, यही हिंदू हैं, इसीलिए इनके लिए कोटा है। और एक दूसरी बात और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है कि 50% का जो गैर संवैधानिक होना, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अब गैर संवैधानिक नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों की डिमांड ये है कि अब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से 100% रिजर्वेशन देश में होनी चाहिए। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, भानु जी और हम मिलके और ऋतु जी मिलके और देश की सभी पार्टियों से जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलती हैं, और जो हिंदू हैं, जो
मनुवादी मानसिकता से आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको 10% दिए, उनका 1.5% अभी भी बाकी है। हम लोग ये कहेंगे कि उनको 1.5% और दिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा उनको एक बूंद या एक एक जरा बराबर भी इससे ज्यादा 11.5% से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके अधिकार और हक से ज्यादा। दूसरा, मैं इस विषय में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जो लोग ये समझते हैं या जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सब मोदी तो ओबीसी है, इस फैसले के बाद इस बात पर पक्की मोहर लग गई है। मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं, छटा हुआ बनिया है वो मोदी। वो उसने जो राजनीति का अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी उस समाज को जो है ओबीसी में डाल लिया, ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन इस फैसले के बाद, मोदी की ये कहने के बाद कि हमने हिंदुओं को दिया है, और इस फैसले के बाद मोहर लगने के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि बड़ा ठग यानी मोदी, अगर लोग समझते हैं कि ओबीसी है, वो ओबीसी नहीं है, वो सवर्ण है, वो बनिया है, तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम्हें मूर्ख बना रहा है, 8 साल हो गए हैं, और कितनी देर तक बनना चाहोगे ये आपको तय करना है। और दूसरी बात, सरकार के साथ साथ हम बहुत पहले से कहते रहे हैं, अदालत भी आपको न्याय नहीं देगी। इस देश में न्याय किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में सत्ता है, सिर्फ उन्हीं के लिए है न्याय, और वो सवर्णों के अलावा कोई नहीं है, बाकी किसी को देगी नहीं। ये फैसला इस बात को सिद्ध करता है। वही जो मैं महमूद पराचा साहब की बात को आगे बढ़ा करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट कल तक ये कहती थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, अब 50% तो है ही, इसके साथ साथ में 10% और हो गया। ये यानी कि 50.5% तो पहले ही पक्का कर रखा था सवर्णों के लिए, ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के यानी क्षत्रियों के लिए, अब ये 10% और हो गया। मतलब सीधा सीधा जिनकी आबादी इस देश में 11.5-12% या ज्यादा ज्यादा 15% मान लो, उनके पास में जो आज की तारीख में रिजर्व है, जो रिजर्व कोटा है, वो 60.5% है। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? इस बात को आप सब सोच सकते हैं। एससी ओबीसी अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुजन नेता जो है वो क्या शून्य हो गए हैं? नहीं, बहुजन नेता तो अभी भी है, लेकिन समाज नहीं समझ पा रहा कि बहुजन नेता कौन है। केवल राजनीति में रहने वाले लोगों को, या जिनका प्रचार होता है, या जिनका प्रचार किया जाता है, या जिनको ये सवर्ण लोग थोपते हैं कि तुम्हारे नेता यही है बहुजन के, आप उन्हें बहुजन समाज उनको नेता समझता। हाँ, निश्चित रूप से, जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल है कि कहा गया भाई वो भी ओबीसी है, अब कैसा ओबीसी है आपके सबके सामने आ गया। सो समाज को समझना पड़ेगा कि उसका असली नेता कौन है, कौन उनके लिए लड़ रहा है ईमानदारी से, कौन इस काबिल है, और कौन उन्हें उनका हक दिला सकता है। नहीं, इनकी आंखें बहुत पहले से खुली हुई हैं। अफसोस, समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा, इनकी आंखें बहुत पहले से। मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी तरह से, CANRC के आंदोलन में हमने जगह जगह जाके, दिल्ली में शायद एक आध दो जगह मुश्किल से रही हुई, वरना जहां जहां भी 25-26 जगह आंदोलन चल रहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर गया आंदोलन को संबोधित करने। जहां भी मैं गया, मैंने अपना फोन नंबर न केवल अनाउंस किया मोबाइल फोन उसे माइक से, बल्कि मैंने अपना कार्ड भी दिया। लेकिन जब कोई बात होती है तब आपको हमारा नंबर याद नहीं आता, तब आपको हम याद नहीं आते, तब आपको दलाल याद आते हैं, तब आपको पुलिस द्वारा बताए गए लोग याद आते हैं, तब समाज को धोखा देने वाले जो आपके बीच के नेता हैं उनके बताए हुए लोग आपको याद आते हैं, तब नहीं आता। तो गलती किसकी इसमें? हमारी गलती नहीं है, गलती है समाज की, जो समझ नहीं पा रहा कि उसकी लड़ाई लड़ने वाले असली लोग कौन है, असली नेता कौन है। अगर समझेगा तो निश्चित रूप से लड़ाई न केवल मजबूती से लड़ी जाएगी बल्कि जीती भी जाएगी। समाज को समझने की जरूरत है। हम केवल बता सकते हैं, हर चीज बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो छुपा रहे हो। एक एक नेता की, ये जो भी है, जो ठग है, इनकी एक एक बात अच्छी तरह से बताई समझाई लोगों को, कानूनी रूप से बताई समझाई, कानून समझाया, आज वही सारी चीजें हो रही है। मैंने मार्च के महीने में कहा था, जब 2021 में और रुद्रपुर में वो थी मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैंने कहा था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि कृषि कानून वापस ना ले, उसे वापस लेने ही पड़ेंगे, इन्हीं भाषा में कहा था, इसी लहजे में कहा था, और आखिरकार मोदी सरकार ने वो वापस लिए।
हम तो हर बात बता रहे हैं, हर बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना तो आपको है ना भाई। भगवान बुद्ध से भी पूछा, एक बहुत बढ़िया बात है, मैं इसे दो मिनट में खत्म करना चाहूंगा। एक जहां पे भगवान बुद्ध लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति कहता था, रोज आता था। उसने एक दिन समय देख के, जिस समय वो फुर्सत में थे, तो पूछा कि भगवान मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, और आप जैसा गुणी व्यक्ति जिस तरह से सब लोगों को आप शिक्षा देते हैं, सो मैं देखता हूँ कुछ लोग तो वाकई में ऐसे हैं कि उनको ज्ञान मिल गया है, हैं इतने समझदार, लेकिन कुछ ऐसे अभी ढुलमुल से हैं, पर कुछ को तो ऐसा लगता है उनको कुछ ही समझ में नहीं आ, ये सब कुछ क्यों है। प्लीज बात सुनिए, बीच में बोलने से पहले बात सुनिए आप, ठीक है। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने समझाया, उन्होंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने कहा कि मैं यहीं का, नहीं यहाँ पे, यहाँ श्रावस्ती के तो नहीं है आप, श्रावस्ती की सभा की बात। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रहने वाला तो पटना का हूं, मगध का हूं, लेकिन यहाँ व्यापार करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे कितने लोग मिले होंगे, तो मगध का रास्ता पूछा होगा, बता दिया आपने रास्ता, हाँ भगवान इसमें छुपाने की क्या बात है, मैंने बता दिया भाई, 4 किलोमीटर सीधे चलो, फिर आगे जाके राइट को मोड़ो, 5 किलोमीटर वैसे चलना, फिर आगे जाना, मैंने रास्ता बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है। तो जितने लोगों को आपने रास्ता बताया सारे पहुंच गए होंगे मगध, कैसी बात कर रहे हैं भगवान, पहुंचेगा तो वही जो चलेगा। अरे यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं बता ही तो रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन मंजिल पर तो वही पहुंचेगा जो चलेगा, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चलना समाज को। और वहीं पे मगध ऋषि कपिल जी ने ये भी बोला कि 2 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या लगता है कि वो राजनीतिक पार्टी में कुछ ऐसा करने वाले हैं? दो दिन रुक जाए ना, इसमें इतनी जल्दी बाजी क्या है, परेशान होने की बात, अभी तो नॉमिनेशन भी 14 तारीख तक होने हैं। जब उन्होंने बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला बड़ा होने वाला, उन्होंने ये कहा कि आपको बताया जाएगा, विचार करके क्या होने वाला है, आगे की रणनीति, आगे का फैसला कैसा होगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।